प्रखंडवासी कृपया ध्यान दें, किशनगंज जिला के टेरागाज प्रखंड से कुछ महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, कार्यालय अंचल अधिकारी टेरागाज किशनगंज, अजय चौधरी जो बिहार सरकार के अंचल प्राधिकारी हैं उनके तरफ से ये सूचना दिया गया है। प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र टेरागाज, जो आपका पिन कोड है, मोबाइल नंबर भी दिया गया है, ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, सूचना में क्या है ये जानते हैं। सूचना में है, अभियान बसेरा सर्वेक्षण 0.2.0, आधार सीडिंग, लगान वसूली एवं दाखिल खारिज में अपेक्षित प्रगति नहीं होने एवं विभिन्न राजस्व शिविरों में संतोषजनक परिणाम नहीं आने के मद्देनज़र हल्का पंचायतों में एक साथ मेगा शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। निम्न पंचायतों में राजस्व शिविर की तिथि निम्न निर्धारित की गई है। तो देखिए, यहाँ पर एक तरफ पंचायतों के नाम दिए गए हैं, उनके शिविरों के नाम दिए गए हैं। तो 27/9/2023 दिन बुधवार समय 10 AM में हाटगांव यानी हल्का कर्मचारी हाटगांव में, ढेबली का ढेबली पंचायत में, झुनकी मुसारा का पंचायत भवन झुनकी मुसारा में, झाला का झाला पंचायत झाला में, हवाकोल का सामुदायिक भवन हवाकोल में, कालपीर पंचायत सरकारी भवन कालपीर में, डाक पोखर का मनरेगा भवन डाक पोखर में और भोरा का हल्का कर्मचारी भोरा में ये शिविर का आयोजन किया गया है। तो शिविर का थोड़ा डेट देख लें, 27/9/2023 यानी बुधवार को, आपका हो गया सोमवार, मंगल और बुध, परसों हर पंचायत में शिविर रखा गया है 10 AM से। तो वैसे उपभोक्ता जो अब तक अपना आधार सीडिंग या लगान वसूली या दाखिल खारिज नहीं किए हैं, वैसे व्यक्ति उक्त डेट में दिए गए स्थान में पहुंच करके इसका लाभ ले सकते हैं। उपयुक्त पंचायत के कार्यरत राजस्व कर्मचारी को निर्देश दिया जाता है कि शिविर संबंधित प्रचार प्रसार रैयतों के बीच करना सुनिश्चित करेंगे एवं उक्त निर्धारित तिथि को निर्धारित शिविर स्थल पर ससमय उपस्थित होकर रैयतों से आवेदन प्राप्त कर राजस्व अभिलेख से मिलान कर प्रतिवेदन तैयार कर समर्पित करेंगे तथा प्राप्त आवेदन के आधार पर भूमि के संबंधित सभी प्रकार के समस्याओं का निराकरण शिविर स्थल पर ही कर लिया जाएगा। तो ये था कोई खास सूचना। तो धन्यवाद, आप इसी तरह से बने रहिए, आपको और ढेर सारी जानकारियाँ दी जाएगी। अगर खबर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों को पहुंचा दें। धन्यवाद।